तो हम आ चुके हैं इंदिरा नगर के फेमस मुंशी पुलिया चौराहे पे। एसबीटी पकौड़े वाले बहुत ही मशहूर हैं और यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक भीड़ भीड़ रहती है और यहाँ पे हर तरह के पकौड़े ये बनाते हैं और काफ़ी लोग इनके पकौड़े पसंद करते हैं। तो चलते हैं इनके पास और इनसे हम बात करते हैं कि क्या क्या ये मेकिंग करते हैं। तो भैया के पास अब पहुँच चुके हैं और भैया देखिए बहुत ही लगे हुए हैं दुकान पे क्योंकि इसमें काफ़ी भीड़ है और भैया बहुत ही मेहनती क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ भी है और बहुत फटाफट ये कस्टमर को कैसे उनको हैंडल किया जा रहा है, बहुत जल्दी फटाफट ये। और इस दुकान पे दो लोग हैं, एक फटाफट फ्राई कर रहा है और ये दोनों लोग का काम कर भी रहे हैं क्योंकि कस्टमर ज़्यादा है तो भाई करना ही पड़ेगा। और इनकी दुकान सुबह से लेके शाम तक यानी 24 घंटे खुली रहती है क्योंकि शिफ्ट में होता है ये सुबह से लेके और रात तक यही रहते हैं। तो ये काफ़ी बहुत मेहनती हैं। तो ये आप इसमें बरसात का सीज़न भी आने वाला है तो बरसात के सीज़न में वैसे भी पकौड़ी सभी लोग खाना पसंद करते हैं और बरसाती क्या हर सीज़न में पकौड़ी खाना पसंद करते हैं और इसमें तो गर्मी का मौसम है और यहीं पास में चाय का स्टॉल भी है तो लोग चाय के संग पकौड़ी खाना पसंद करते हैं। और ये SBD पकौड़ी वाले ये काफ़ी मशहूर हैं और ये मुंशी पुलिया चौराहे के पास ही हैं और अगर आप लखनऊ के आसपास तो ज़रूर आप एक बार जरूर ट्राई करें। और देखिए शाम का समय है और कस्टमर भी काफ़ी आ रहे हैं और इस तरह से और ये इनकी भजिया जो है पकौड़े जो हैं वो काफ़ी तरह के और इसमें ब्रेड पकौड़े तले जा रहे हैं और जैसे जैसे जो डिमांड होती है वैसे इनको सर्व करते हैं क्योंकि हाफ डन करके रख लेते हैं और जैसे जो ऑर्डर होता है फटाफट उसको डबल फ्राई करके दे देते हैं। और इनके पास कई वैरायटी हैं जैसे गोभी का है, टमाटर है और बैंगन के पकौड़े, आलू और मिर्च, यानी काफ़ी तरह की इनके पास वैरायटी है और जैसा जो लोग खाते हैं वो उसी तरह उनको फ्राई करके और दे देते हैं और ये तौल के देते हैं जैसे जो 100 ग्राम खाना चाहे 200 ग्राम या पीस के हिसाब से। तो इस तरह ये पकौड़े बनाते हैं तो ये ऑर्डर भी लेते हैं अगर घर में कोई छोटी मोटी पार्टी हो तो उस तरह भी और लोग ऑर्डर करते हैं और इनको सर्व देते भी हैं। तो इस समय देखिए फ्राई कर रहे हैं और हमारे लिए भी पकौड़ी तल चुकी है क्योंकि हमने भी कई तरह के पकौड़ी लगवा लिए और इनकी जो चटनी है बहुत ही स्पेशल है और कई तरह के इस बनाते हैं और देखिए ये स्पेशल चटनी और इसके बाद इसको हम खा के बताएंगे और ये कैसी बनी है। तो लीजिए हमारी प्लेट बनके आ चुकी है और ये बहुत ही गर्म है तो हम आपको बता दें कौन कौन सी पकौड़ी इसमें, ये मिर्ची की है, ये बैंगन है और ये आलू है और ये प्याज और मिक्स है सब और संग में ये इनकी स्पेशल चटनी और इसको हम खा के बताएंगे कि इसका स्वाद कैसा है। तो इसको हम टेस्ट करके बताएंगे कि इसका स्वाद कैसा है और संग में देखिए इनकी स्पेशल चटनी और ये स्पेशल चटनी जहाँ सभी लोग खाना इसको पसंद करते हैं। तो हम बैंगन की पकौड़ी सबसे पहले खाएंगे और काफ़ी गर्म भी है तो चटनी के संग इसको लगा के। तो बैंगन पकौड़ी खा चुके हैं, अब हम दिखाएंगे मिर्ची की और आलू की। तो इन पकौड़ियों का स्वाद काफ़ी अच्छा है और आप जब कभी भी लखनऊ के मुंशी पुलिया चौराहे पे आएँ तो SBD पकौड़े वाले इनके यहाँ ज़रूर आएँ और इनकी पकौड़ियों का स्वाद चखें।